एयर इंडिया की बेंगलुरु के लिए निकली फ्लाइट A3210 का आपातकालीन लैंडिंग मुंबई एयरपोर्ट पर ही किया गया। टेक ऑफ के आधे घंटे के बाद फ्लाइट के इंजन में खराबी होने से हवाई जहाज को मुंबई हवाई अड्डे पर उतारा गया। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे के करीब मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट के इंजन में खराबी आने की वजह से आपातकालीन लैंडिंग मुंबई हवाई अड्डे पर ही की गई। मिली जानकारी के अनुसार हवाई जहाज ने 9 बजे बेंगलुरु के लिए प्रस्थान किया था। आपातकालीन लैंडिंग के बाद प्रवासियों को दूसरे हवाई जहाज का इंतजाम कराया गया। इस घटना की जानकारी देते समय एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइन की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हमारे क्रू मेंबर्स भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित है। हमारे देखभाल कार्य संघ ने समय पर समस्या के निवारण के लिए ये कदम उठाया।